नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का किट जंगी की एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सुपर स्मैश लीग के सातवें मैच जो कि होने वाला है ओटागो और वेलिंगटन के बीच में। रहेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दोनों टीम के बारे में। दोनों टीम की हम प्लेइंग 11 को देखेंगे, दोनों टीम के हम प्रेडिक्शन करेंगे, दोनों टीम को एनालाइज करेंगे और हम प्रेडिक्ट करेंगे कि जो आने वाला गेम है वो कौन जीत सकता है हमारी टीम के अंदर। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे बड़े बड़े क्रिकेट की वीडियो चलाते रहता हूँ, तो बिना टाइम का चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पास के बारे में बात करूं, दोनों ही टीम के अभी तक दो दो मैचेस हुए हैं और दोनों ही टीम का एक एक मैच जो है वो कैंसिल हो गया, वेदर कंडीशन की वजह से वो अबैंडन हो गया था और दोनों ही टीम ने एक एक मैच खेले हैं। और बात करें ओटागो की, तो ओटागो ने एक मैच हारा था जिस कारण वो भी पॉइंट टेबल के अंदर सबसे नीचे बैठा है। वहीं पर बात करें वेलिंगटन के बारे में, तो वो जो एक मैच था वो जीत गया था और वो पॉइंट टेबल के अंदर सबसे ऊपर बैठा है। हमारे ओटागो के कैप्टन डीन फॉक्सरॉड भी काफी कोशिश करेंगे कि वो ये वाला मैच जो है ये जीते, क्योंकि अगर वो ये वाला मैच नहीं जीतते हैं तो वो यार इस पॉइंट टेबल के अंदर ऑलरेडी नीचे के स्थान पर है। अगर वो ये वाला गेम हार जाते हैं तो वो ऑलरेडी माइनस के अंदर चले जाएंगे। वहीं पर वेलिंगटन के कैप्टन निक केली भी बहुत कोशिश करेंगे ये वाला मैच जीतने, क्योंकि वो लास्ट वाला मैच था वो जीत गए थे। तो दोनों टीम ने एक एक मैच अबैंडन किया, एक टीम जीती एक टीम हारी है। तो वेलिंगटन के कैप्टन निक केली काफी कोशिश करेंगे ये वाला मैच जीतने की जैसे वो लास्ट वाला मैच जीते थे। तो गाइस यार आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी टीम के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओटागो की टीम के बारे में। पर हम बात करेंगे बैटिंग के बारे में कि बैटिंग डिपार्टमेंट में इस वाली टीम के अंदर से कौन कौन अच्छा खेल सकता है। तो इस वाली टीम के अंदर हैमिश रदरफोर्ड, मैक्स चू, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और जेक गिब्सन, ये वाले मेरे खिलाड़ी हैं जो कि इस वाली टीम के अंदर अच्छी खासी बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर बात करें बॉलिंग सेगमेंट के बारे में, तो वाली टीम काफी ज्यादा रिलाई करेगी हमारे प्लेयर जैसे कि ट्रेविस मुलर, एंड्रू हेजलडाइन, बेन लॉक्रॉस और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट। और इन पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेंगी कि ये बॉलिंग डिपार्टमेंट को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और बॉलिंग डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से ही झेल लेंगे। अब लोग फटाफट से बात कर लेते हैं ओटागो की प्लेइंग 11 के बारे में कि हमें कौन कौन से खिलाड़ी इस वाली टीम के अंदर खेलता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे बड़े बैटरमैन हैमिश रदरफोर्ड, देन उसके बाद आते हैं जेक गिब्सन, डीन फिर आते हैं हमारे कैप्टन डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, देन आते हैं विकेट कीपर मैक्स चू, देन डेल फिलिप, लियू जॉनसन, ओली वाइट, बेन लॉक्रॉस, एंड्रू हेजलडाइन और मैथ्यू बेकन। तो वैसे ये हमारे सारे खिलाड़ी जो कि हमें इस वाली टीम के अंदर खेलते हुए दिख सकते हैं इस वाले मैच के अंदर। अभी हम लोग बात कर रहे थे सामने वाली टीम वेलिंगटन के बारे में। तो वेलिंगटन के अंदर काफी बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, लास्ट वाला गेम ही जीते थे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं इस वाले गेम के अंदर। तो बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमारी टीम रिलाई करेगी टिम रॉबिन्सन, निक केली, निक ग्रीनवुड, मोहम्मद अब्बास, कैलम मैकलहन एंड नेथन स्मिथ। तो ऐसे सभी वो खिलाड़ी हैं जो कि हमें मेन बैट्समैन की लीड के अंदर दिख सकते हैं इस वाले मैच के अंदर। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बोलिंग सेगमेंट के बारे में। तो बोलिंग सेगमेंट के अंदर वेलिंगटन की टीम रिलाई करेगी पीटर यंग्सबर्न, नेथन स्मिथ, माइकल स्नेडन, लोगन वैन बीक और लैन मैकपीक। तो गाइस ये वो तगड़े बोले इसके पर हमारी वेलिंगटन की टीम बहुत ज्यादा रिलाई करेगी बोलिंग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। अगर लास्ट मैच के बारे में बात करें, तो लैन मैकपीक और पीटर यंग हस्बैंड इन दोनों ने मिलकर लास्ट वाले मैच के अंदर 3 विकेट ली थी। अभी हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं वेलिंगटन की प्लेइंग 11 के बारे में कि इस वाले गेम के अंदर हमें कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे निक ग्रीनवुड, देन टॉम रॉबिन्सन, निक कैली हमारे कप्तान, मोहम्मद अब्बास, जेसी तक्शॉफ, देन हमारे विकेट कीपर कैपन मैकलहन, नेथन स्मिथ, लोगन वैन बी, पीटर यंग हस्बैंड, माइकल स्नेडन और हमारे खिलाड़ी लैन मैकपी। तो ऐसे सभी हमारे खिलाड़ी हैं जो कि हमें इस वाले गेम के अंदर खेलते हुए देख सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े स्टेडियम के बारे में कि ये वाला जो मैच है कौन से स्टेडियम के अंदर खेला जाने वाला है और थोड़ी सी हम पिछली वोट को भी जान लेते हैं। इसी वाला जो मैच है ये मॉलिनिक्स पार्क अलेक्जेंडर के अंदर होने वाला है और ये वाला स्टेडियम की जो पिच होती है ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी होती है, दोनों को अच्छा खासा मदद करती है। ऐसे कोई स्पेशलिटी नहीं कि बैटिंग में बढ़िया देती है फिर बॉलिंग देती है, दोनों के लिए न्यूट्रल है। तो हमारी टीम पर डिपेंड करता है कि वो दोनों ही बैटिंग और बॉलिंग का बैलेंस बना के कैसे इस वाले गेम को हम जिताते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं वेदर के बारे में, तो वेदर जो है काफी ज्यादा क्लियर होगा, कोई भी बारिश की आशंका नहीं है इस वाले मैच के लिए। हम लोग बात करें कि टीम को पहले बैटिंग लेनी चाहिए बॉलिंग लेनी चाहिए, तो गाइस ये वाला जो स्टेडियम है ये काफी न्यूट्रल स्टेडियम है, तो यहाँ पर पहले बैटिंग लेने का फायदा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीम कोशिश करेंगे कि पहले बैटिंग लेके एक अच्छा खासा रन बना दे ताकि सामने वाली टीम को चेस करने में दिक्कत हो जाए। तो गाइस ये थी दोनों टीम के बारे में बातें। हम लोग बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। तो गाइस वाले मैच के लिए हमारी ड्रीम इलेवन की टीम कोशिश प्रकार रहेगी, जहाँ पर पहले विकेट कीपर के अंदर हम लेंगे मैक्स चू को, देन बैटर के अंदर हम लेंगे निक केली, ट्रॉय जॉनसन और डेल फिलिप्स को, देन उसके बाद ऑलराउंडर के अंदर हम लेंगे लोगन वैन बीक, नेथन स्मिथ, पीटर यंग हस्बैंड और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को, देन हम लेंगे बॉलर के अंदर एडन मिनली, ट्रेविस मुलर एंड मैथ्यू बेकन को, कैप्टन के अंदर हमारे रहेंगे डीन फॉक्सक्रॉफ्ट
और वाइस कैप्टन के अंदर हमारे रहेंगे लोगन वैन बीक। तो गाइस इतने हमारी ड्रीम इलेवन टीम इस वाले मैच के लिए। अब लोग बात कर लेते हैं कि इस वाले मैच के अंदर कौन से जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गाइस अगर हम पास स्कोर को देखें, पास मैचेस को देखें, तो यार इस वाली टीम के अंदर जीतने के चांसेस जो है अपने वेलिंगटन के ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वाली लीग के अंदर वेलिंगटन ऑलरेडी एक गेम जीत चुका है, पॉइंट टेबल के अंदर टॉप पर बैठा है। वहीं पर हमारी जो दूसरी टीम है ओटागो, वो सबसे नीचे बैठी है। और जब जब पास के अंदर वेलिंगटन और ओटागो के बीच में मैच हुआ है, मोस्टली वेलिंगटन ही जीता है। साथ ही साथ वेलिंगटन के पास निक केली और टॉम रॉबिन्सन जैसे तगड़े बैट्समैन हैं, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ वेलिंगटन की जो बॉलिंग है और जो फील्डिंग है वो भी काफी अच्छी है, उनका जो टीम वर्क है वो काफी अच्छा है। तो इस वाले मैच के अंदर वेलिंगटन के जीतने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही आज की वाली वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक मार देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब मार देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।